हेलो दोस्तों, पॉज ऑफ फाइनेंशियल बाजार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसे कि ऑलरेडी मैं काफ़ी वीडियो बना चुका हूँ, ओके, और हर एक वीडियो में टारगेट मतलब जो भी शेयर बताया ही है आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो ही रहा होगा उसमें। मैंने भी वो शेयर परचेस कर रखे, तो आज जिस शेयर से रिलेटेड बातें करने जा रहा हूँ उसे भी मैंने आपको काफ़ी बार बताया है, ओके। मैंने आपको बताया है कि इस शेयर में रहना, ओके, अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो ना तो आपके पोर्टफोलियो में वो शेयर होना ही चाहिए, ओके। स्मॉल कैप कंपनी है नो डाउट, ओके, वॉलेटिलिटी हो सकती है, बट उसका जो मैनेजमेंट है, उसका जो काम है, ओके, वो शेयर एक ऐसा शेयर है जो कि आपको भागता हुआ नजर आएगा। इतना बेहतरीन तो इसके रिजल्ट्स आए इस बार के, और इसी रिजल्ट्स को लेते हुए वो शेयर आज की डेट में 10-11% तक भागा था, बट थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हुई। बट स्टिल मैं आपको अभी भी कहूँगा कि वो शेयर को खरीद लेना, ओके। जब भी डिप मिले आपको, जब भी आपको मिले मौका, उस शेयर को बाय ऑन डिप्स करते रहना, रख लेना, ओके। आप बड़े बड़े जो दिग्गज शेयर है, TCS, इन्फोसिस, उसे टक्कर देने वाला वो शेयर है। तो ये वीडियो की तरफ चलते हैं, बट बिफोर दैट आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल बॉस ऑफ फाइनेंशियल बाजार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, थोड़ा सा सपोर्ट करें मुझे ताकि इस तरीके की वीडियो मैं भी ला सकूँ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों तक भी पहुँचाएं, एज वेल एज कल एक वीडियो बनाई थी, ओके, बोनस से रिलेटेड, वो भी देख लीजिएगा। ये रेलटेल का IPO है, उसे देख लीजिएगा। काफ़ी सारी वीडियो बनाई है, इससे बताई थी, ओके, मैंने आपको बताया था कि बेचना मत, आज के दिन ही देखिए 7% ये शेयर भागा था, इस वीडियो को भी जाके देख लेना, ओके। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो जिस शेयर से रिलेटेड मैं बातें करने वाला हूँ, सबसे पहले परफॉर्मेंस दिखाना चाहूँगा। एक साल भी नहीं हुआ इस शेयर को मार्केट में लिस्ट हुए, और जिस दिन ये लिस्ट हुआ था, ओके, आई थिंक 110 और 105% का रिटर्न दिए थे, मतलब आपके पैसे को दोगुना कर दिया था, ओके। और अगर हम देखें ईयर टिल डेट की, तो देखिए 15% के रिटर्न है। 3 मंथ्स का देखें, उसके बाद की बात कर रहा हूँ, जब मार्केट में लिस्ट हुआ उसके बाद जो परसेंटेज मिला है, 3 मंथ्स में 25%, 1 मंथ में 13%, और आज के दिन में देखिए 7% का अभी भी जंप देखा गया है। 1 वीक में 13-14% के रिटर्न दे चुका है, ओके। बड़ी दिग्गज कंपनी है, मस्त कंपनी है, मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी। अगर हम यहाँ पर देखें कि इसका 52 वीक हाई, तो देखिए 52 वीक लो 307 था, जो कि 27 अक्टूबर को आया था, ओके। वहाँ पर लोगों ने अपॉर्चुनिटी को जिसने ग्रैब किया होगा और उसे अच्छा खासा वो मिल रहा होगा। अगर देखें तो 52 वीक हाई लगाया है, 418 रुपये का शेयर, 52 वीक हाई, हैप्पीएस्ट माइंड इस कंपनी का नाम है। और 17% के देखिए यहाँ पर डिलीवरीज उठाई गई है, मतलब 26,31,254 शेयर यहाँ पर उठाए गए हैं। और अगर मैं एक बात करूँ यहाँ पर कंपनी इन्फॉर्मेशन, देखिए नेट प्रॉफिट देखिए सितंबर में क्या था और दिसंबर में क्या, जंप होती हुई साफ दिखाई दे रही है आपको अच्छी खासी। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ पर देख सकते हैं, 53% के जो शेयर है वो प्रमोटर्स के पास है, बाकी पब्लिक फॉरन इंस्टीट्यूशन DIS के पास है, और कोई भी शेयर गिर भी नहीं है, ओके। जिस शेयर से रिलेटेड बातें कर रहे हैं वो शेयर है हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड। ये इससे रिलेटेड मैंने और भी पहले वीडियो बनाई थी, शेयर 325 के आसपास चल रहा था, मैंने आपको बताया था कि इसे खरीद लेना, काफ़ी सारे लोगों ने देखा भी था, और जिसने भी खरीदा होगा आज उसे अच्छा खासा रिवॉर्ड मिल रहा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए ये जो ITs कंपनी होती है ना, वो जब शुरू में मार्केट में लिस्ट होती है वो कंसोलिडेट करती है, ओके, क्योंकि ऑलरेडी वो गैप अप में उनको लिस्ट मिलता है, ओके। 150 रुपये का शेयर सीधे हो रहा है, अगर 300 रुपये तो गैप अप में तो लिस्ट हो ही रहा है, ओके, वो आपको, बट उसके बाद थोड़ा सा कंसोलिडेट करती है। अगर हम यहाँ पर देखें ये कंसोलिडेशन पीरियड, ओके, अगर हम यहाँ पर सीधा मैक्सिमम देख लेते हैं, तो मैक्सिमम में देखिएगा यहाँ पर ये मार्केट में लिस्ट हुई, फिर इसका नीचे आई, ओके, और यहाँ पर कंसोलिडेट होती गई, यहाँ पर काफ़ी सारा टाइम इसने कंसोलिडेशन में बिताया, 2-3 महीने जो भी बिताया, फिर उसके बाद देखिए जंप शुरू, और जैसे ही रिजल्ट आए काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट, जिसके बारे में आगे बात करने वाला हूँ, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो देखिए कंसोलिडेशन फेज, ओके, उसके बाद अभी देखिए न्यू 52 वीक हाई मतलब क्या, तो आज के दिन में इसने न्यू 52 वीक हाई 418 रुपये तक ये शेयर गया था, अभी 394 पे क्लोज होता हुआ हमें नजर आया। बट यू डोंट नीड टू वरी, जिसने अगर 418 पे भी खरीदा होगा ना, मैं आपसे कहूँगा कि होल्ड करिएगा ये शेयर को, ओके। अगर आपने 50,000 रुपये भी इस शेयर में लगा दिए ना, और तो 10-20 साल इसे रख लीजिएगा, CR में ये कन्वर्ट होते हुए आपको नजर आएंगे, क्योंकि ये कंपनी आपको बोनस और वो सब चीज़ जो आप चाहते हैं, डिविडेंट, वो सब चीज़ देती हुई नजर आएगी। तो इस शेयर को पोर्टफोलियो से मतलब निकालने की गलती मत करना, और जितना बाय नीचे मिले बाय ऑन टिप्स करते रहना, आपको अच्छे खासे रिटर्न मिलेंगे।
अगर बात करी जाए, देखिए यहाँ पर 97% का यहाँ नेट प्रॉफिट में जंप दिखाई गया है, और बहुत सारी जो इनकी डील्स है वो पाइपलाइन में है, मतलब वो आगे होनी है, और काफ़ी सारी स्ट्रॉन्ग डील्स इनके पास ऑलरेडी है। देखिए Q3 के रिजल्ट्स तो काफ़ी बेहतरीन है, और कंपनी जिस जिस सेगमेंट में काम करती है ना, काफ़ी रोबोटिक हो गया, एज वेल एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, आईटी वाले लोग ज़्यादा जानते होंगे इसे। ओके, तो ये सारी की सारी चीज़ों में ये कंपनी काम करती है, और वन ऑफ द बेस्ट कंपनी मैं इसे कहूँगा आफ्टर TCS, और ये बड़ी बड़ी कंपनी है, तो इसे हमेशा रिटायर पर रखिएगा। और इसके जो कर्ता धर्ता है वो अशोक सूता जी है, और कौन है अशोक सूता जी आपको मुझे इंट्रोड्यूस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ही इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पर्सन, ओके, ग्रेटेस्ट पर्सनैलिटी, जिन्होंने विप्रो में, पहली बात विप्रो के साथ काम किया काफ़ी साल, माइंडट्री को co-found किया, माइंडट्री आज कहाँ से कहाँ पर है, और अब ये हैप्पीएस्ट माइंड के कर्ता धर्ता है, तो इस ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें इसके फाइनेंशियल्स की, तो देखिए फाइनेंशियल्स तो काफ़ी बेहतरीन है, डिजिटल देख देख सकते हैं, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में काम करता है, और इसका जो मार्केट कैप है लगभग 5500 करोड़ के आसपास कह सकते हैं। स्मॉल कैप कंपनी है, डिस्क्लेमर अगेन, भागेगी भी तेज गिरेगी भी तेज, बट टेक्नोलॉजी कंपनी है और एक बहुत बड़ा अच्छा मैनेजमेंट है, इसलिए इस पे बिलीव करके आंख बंद करके हम पैसा लगा सकते हैं। बट इसके जो क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हैं वो पढ़ते रहना, वो करना जरूरी है। अगर ROCE की बात करें 42.8%, इसका मतलब पता ही है आपको, 30% होता है तो मतलब सबसे अच्छी कंपनी माना जाता है, और ये 30% से भी ज़्यादा है तो मतलब बेहतरीन। और अगर आप इसी इस कंपनी में जो ये अगर इसी तरीके से रिजल्ट्स देती रही, ओके, और आपने 10 लाख रुपए लगा दिए, ओके, और 20 साल के लिए रख लिए, तो आपके 100 करोड़ रुपए होते हैं 20 साल में, 10 लाख रुपए के, अगर इस स्पीड से कंपनी भागती रही, बल्कि ज़्यादा ही होंगे, कम नहीं होंगे, बट ऐसा नहीं होता, ऊपर नीचे होते रहते हैं। ओके, सो एक कैलकुलेशन आप पकड़ के बिल्कुल मत बैठना, बट अच्छी कंपनी है तो उसको लेना हमेशा चाहिए। देखिए डेट को रिड्यूस किया है, और क्या चाहिए। अगर सेल्स की बात की जाए, दिसंबर का देखिए रिजल्ट्स है, यहाँ पर 165 करोड़ रुपीज़ के यहाँ पर सेल्स थे जून 2019 में, जो कि हर साल बढ़े हैं। ओके, और अभी की डेट में जो इनके रिजल्ट सेल्स के रिजल्ट्स है वो 193 है। अगर प्रॉफिट की बात की जाए तो प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट है देखिए 18 करोड़ रुपये का कभी प्रॉफिट था, और अभी है 42 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट, जो कि काफ़ी अच्छा है, जो कि अभी जून 2020 में सबसे ज़्यादा था, उसके बाद यहाँ पर थोड़ी सी गिरावट, बट बैक टू नॉर्मल आते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर इन्होंने बताया भी है कि ये प्री कोविड, देखिए रीगेन प्री कोविड ग्रोथ, मतलब प्री कोविड जो इनकी ग्रोथ थी कोविड से पहले, उसको वो रीगेन कर रहे हैं, और रीगेन करेंगे तो ऑब्वियसली बात है आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता हुआ नजर आएगा। सेल्स की बात की जाए तो देखिए 590 करोड़ रुपए की सेल्स थी 2019 में थी, अगर अभी तक देखे तो 739 करोड़ रुपीज़ की पिछले 12 महीने में हुई है। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहाँ 14 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट था, अभी 132 करोड़ रुपीज़ का पिछले 12 महीने में इन्हें प्रॉफिट होता हुआ नजर आया। रिजर्व्स बेहतरीन रिजर्व, जहाँ पर 2019 मार्च में नेगेटिव में रिजर्व चल रहे थे, वो अभी 436 करोड़ रुपीज़ के माइंड ब्लोइंग रिजर्व्स इनके पास पड़े हुए हैं। अगर बात की जाए बोरिंग की, तो बोरिंग जहाँ पर 121 करोड़ रुपीज़ की बोरिंग थी 2019 में, वो अभी लगभग 80 करोड़ रुपीज़ की बोरिंग होती हुई नजर आई है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अगर बात की जाए देखिए इंटरेस्ट भी, देखिए उसी हिसाब से पहले ज़्यादा पे कर रहे थे, अब कम होता जा रहा है क्योंकि इनकी बोरिंग भी कम होती जा रही है, तो काफ़ी अच्छी बात है। एक बार डेट फ्री होगी कंपनी तो और प्रॉफिट लोगों को मिलता हुआ मिलेगा, एज अ डिविडेंड, एज अ जो भी कंपनी प्रोवाइड करेगी। अगर बात की जाए इन्वेस्टमेंट तो कोई नहीं कर रखा कंपनी ने, बट अगर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की बात की जाए 311 करोड़ रुपये का बड़ा हैंडसम अमाउंट इनके पास कैश में पड़ा हुआ है। ओके, एसेट भी बढ़ते जा रहे हैं, लगभग डबल हो चुके हैं और 1-2 साल में ही। अगर प्रमोटर्स होल्डिंग की बात कर लेते हैं तो प्रमोटर्स का 53.25% की हिस्सेदारी है। अगर बात की जाए अशोक सूता साहब की, देखिए यहाँ पर देख सकते हैं अशोक सूता जी के पास 40.9% की हिस्सेदारी केवल अशोक सूता जी के पास है, बाकी उनके बच्चों के पास या उनसे रिलेटिव्स के पास ही यहाँ पर है। अगर फॉरेन इन्वेस्टर्स की बात की जाए तो 7.51% की। अगर बात की जाए यहाँ पर गोल्डमैन सैक्स ने भी अभी देखिए दिसंबर में यहाँ पर 1.03% की हिस्सेदारी खरीदती हुई मिली है, मतलब इन्होंने भी इस कंपनी में भरोसा जता के बढ़ाई आई है। अगर बात की जाए गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, देखिए उसने भी बढ़ाता हुआ नजर आया है, और सिंगापुर इज़ अ कंट्री जिसने यहाँ पर
जो इंडिया में मतलब लैक्स ऑफ करोड़ रुपीज लगा चुका है, मतलब यूएस वगैरह कुछ भी नहीं, उनसे भी ज़्यादा पैसा सिंगापुर आज की डेट में मार्केट में लगा रहा है, तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। उनका भरोसा हमारी इकोनॉमी पे कितना है तो वो आप देख सकते हैं। डीआईएस की बात की जाए तो उन्होंने थोड़ी सी हिस्सेदारी घटाई है, बढ़ाने की जगह अगर पब्लिक की बात की जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं पब्लिक के पास कितना है। अगर हम बात की जाए 5.5% को और काट दिया जाए तो लगभग 26-27% की हिस्सेदारी पब्लिक के पास अभी भी है, तो काफ़ी अच्छी बात है। तो इस शेयर की तरफ नज़रें बना के रखिएगा, हैप्पीएस्ट माइंड इस कंपनी का नाम है। जब भी मौका मिले बाय ऑन डिप्स करते रहिएगा, और ये शेयर इन ट्रेडिंग वाला शेयर नहीं है, ये शेयर है इन्वेस्टिंग वाला, तो इसे हमेशा अपने रिडार पे रखिएगा, बाय ऑन डिप्स करते रहिएगा, और कोई भी फाइनेंशियल एडवाइज़र से अपने से जरूर पूछेगा कोई भी पोजीशन बनाने से पहले। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा। इसके अलावा एक और डिस्क्लेमर, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेंगे आपको दो, एक लिंक तो मिलेगा आपको एंजल ब्रोकिंग में फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन कराने का, और दूसरा लिंक मिलेगा श्री राम जन्मभूमि में जो मंदिर बन रहा है श्री राम जी का, उसमें डोनेशन करने का। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो सीधे उनकी साइट पर ले जाएगा, और आप वहाँ पर अपनी इच्छा अनुसार दान दे के उस मंदिर को बनाने में हेल्प कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, और बॉस ऑफ फाइनेंशियल बाजार में को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और मेरी मेरा मोटिवेशन बढ़ाए ताकि और भी लोगों तक ये वीडियो पहुँचे, वो देखें, और हम लोग आपस में मिलकर ग्रो करते रहें। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।